स्टूडेंट क्लास फिफ्थ बच्चों आप लोगों का है हिंदी लिटरेचर का टर्न और मैं आपको चैप्टर सेवन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराने जा रही हूँ तो अब हम लेते हैं एक्सरसाइज सेकेंड और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि स्टीफन हॉकिंस के बारे में कि उन्होंने कितना अपनी जीवन में कितना स्ट्रगल किया तब भी उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद में अब अपना नाम दुनिया में रोशन किया था एक्सरसाइज देखते हैं स्टीफन हॉकिंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था इसमें दिया है स्टीफन हॉकिंस का जन्म कहाँ हुआ था इंग्लैंड में हुआ था अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था तो आठ जनवरी 1942 फोर्टी टू को उनका जन्म कब हुआ था एट एट जनवरी नाइनटीन फोर्टी टू को इंग्लैंड में हुआ था लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि स्टीफन हॉकिंस का जन्म कहाँ हुआ था तो आपको लिखना है इंग्लैंड में हुआ था स्टीफन हॉकिंग किस विषय में शोध किया स्टीफन हॉकिन ने भौतिकी में शोध किया हॉकिंग को पीएचडी की डिग्री कब प्राप्त हुई तो हॉकिंग को पीएचडी की डिग्री 1966 में 1966 में स्टीफन हॉकिंग को पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई किस बीमारी के कारण हॉकिंग का चलना फिरना बंद हो गया तो ये था मोटर न्यूरॉन जिसके कारण उनका चलना फिरना बंद हो गया था हॉकिंग का जन्म कब हुआ था आप देखिए क्वेश्चन ऊपर दे रहा है कहाँ दिया था हुआ था और यहाँ है कब हुआ था तो मैंने अभी बताया था आठ जनवरी उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इसी यहीं पे आपको लिखना है हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था बस इतना ही लिखना है कि 8 जनवरी हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था हॉकिंग को अमेरिका का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ तो हॉकिंग को अमेरिका का उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ हॉकिंग को अमेरिका का कौन सा सम्मान प्राप्त है हॉकिंग को अमेरिका का उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त है हॉकिंग ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की तो हॉकिंग ने उच्च शिक्षा यहाँ आपको लिखना है हॉकिंग ने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की हॉकिंग ने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी ओके क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हॉकिंग की पुस्तक का क्या नाम है हॉकिंग की पुस्तक का क्या नाम है हॉकिंग का की पुस्तक यहां देखते हैं एक बार हॉकिंग की पुस्तक का क्या नाम है क्वेश्चन देखते हैं हॉकिंग की पुस्तक का क्या नाम है तो हॉकिंग की पुस्तक का नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आपको लिखना है क्वेश्चन हॉकिंग की पुस्तक का नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग की पत्नी का क्या नाम है तो स्टीफन हॉकिंग की पत्नी का नाम लुकासियन सॉरी यहाँ पे हॉकिंग की पुस्तक उनकी पत्नी का नाम अभी आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आप देखिए हॉकिंग की हॉकिंग पत्नी का क्या नाम है तो स्टीफन हॉकिंग की पत्नी का नाम जेन वाइल्ड हॉकिंग की पत्नी का नाम जेन वाइल्ड था स्टीफन हॉकिंग की पत्नी का क्या नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे स्टीफन हॉकिंग की पत्नी का नाम जेन वाइल्ड है ठीक तो है थीके? क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन हॉकिंग के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे चैप्टर को एक्सप्लेन किया था मैंने आप उसको पढ़िए समझिए और आप उसमें लिखेंगे ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से लिखेंगे कि स्टीफन हॉकिंग के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है एक्सरसाइज फिल करिए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए हॉकिंग की आरंभिक शिक्षा सेंट अल्बांस स्कूल में हुई थी हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है 1985 में इन्हें भयंकर न्यूमोनिया हो गया उन्होंने एक छोटा सा स्पीस सेंथेसाइजर अपनी व्हीलचेयर के पास लगवाया यहाँ पे आएगा की सहायता से लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे कंप्यूटर सॉरी यहाँ फोर नंबर में आएगा आपका कंप्यूटर उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया ने आ, इसके यहाँ रड़ा नंबर में आएगा इस पीस सेंथेसाइजर की सहायता से वे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आएगी जिसमें दिए गए शब्द व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए कल्पना प्लस एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा काल्पनिक विज्ञान प्लस एक जोड़ेंगे वैज्ञानिक हो जाएगा और आरंभ तो प्लस एक जोड़ेंगे तो आरंभिक हो जाएगा यहाँ पे संसार प्लस एक जोड़ देंगे सांसारिक हो जाएगा और नगर प्लस एक जोड़ेंगे नागरिक हो जाएगा विवाह प्लस एक जोड़ेंगे वैवाहिक हो जाएगा नेक्स्ट आपका टू एक्सरसाइज इसकी देखिए उचित मुहावरों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए दिल भर आना इस बच्चे को शौर देख कर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप यहाँ पे इसको लगाएंगे दांतों तले उंगली दबा लेंगे कम में गुजारा कर लो मगर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ नेक्स्ट आ गई पुलिस के देखते ही चोर नौ दो ग्यारह हो गए सॉरी यहाँ भी आपका लगाना है दुम दबा कर भाग गए मित्र तुम्हारे आने से इस समारोह में चार चांद लग गए नताशा तो दिखाई ही नहीं देती नताशा तो ईद का चांद हो गई वो दिखाई ही नहीं देती यहाँ पे लिखेंगे उस गरीब भिखारिन की हालत देखकर मेरा दिल भर आया उचित क्रिया विशेषण से रिक्त स्थान फिल करिए वे व्हील चेयर की सहायता से ही इधर उधर आ जा पाते हैं हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है अब व्हील चेयर ही उनका हमेशा के लिए उनका सहारा बन गई उन्होंने विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया ऐसी के आज आठ वर्क आप सोच कर लिखेंगे थिंक वर्ड कैसे लिखेंगे ऑक्सफोर्ड हॉकिंग एल्बांस ओके स्टूडेंट आप सभी बच्चे इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए क्वेश्चन मैंने कराए आपको क्वेश्चन कंप्लीट करिए और जो अभी तक क्वेश्चन कराएं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग लर्न करिए जो एक्सरसाइज आपकी करा दी है वो अभी तक पूरी एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्पेशली फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं ओके स्टूडेंट ओके